आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी के वीडियो में देखा होगा, आपने मेरे वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि क्लिप का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, कैची का ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। यहां पर इसका मैं बेनिफिट बताऊंगा, साथ साथ इसको यूज़ करना भी बताऊंगा, लाइव इसका यूज़ करके बताऊंगा कि इससे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये कितने सेकंड में आप इसको यहां पर सेंड कर सकते हो, कितने सेकंड तक सेंड नहीं कर सकते, पूरी डिटेल ए टू जेड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इस तरीके का वीडियो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर देंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो किस तरीके से यूज करते हैं। मेरा नाम है सावत खान, आप देख रहे हैं जी टेक्निकल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बात करते हैं क्लिप ऑप्शन क्या है दोस्तों। क्लिप ऑप्शन एक तरीके का आपको यहां पर कटिंग करके आपका जो वीडियो है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट आपके हाथ में पकड़ा देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप पार्ट आपको जो जैसे कि मेरा वीडियो है, मेरा वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है और वही पार्ट आपको किसी को सेंड करना है, लेकिन पहले क्या होता था, आप पूरा का पूरा वीडियो की लिंक आप उठाकर भेज देते थे, लेकिन दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको भेजना है, जैसे कि एक घंटे का वीडियो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 30 सेकंड का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको किसी को सेंड करना है, बस आप उस 30 सेकंड के क्लिप को कट करोगे और डायरेक्ट यहां पर उससे एक लिंक जनरेट होगी, उस लिंक को आप जिस किसी को भी भेजना चाहते हो उसको सेंड कर दोगे और जब वो उसको ओपन करेगा तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपने भेजा है वही पार्ट उसको देखेगा और अदर चीज नहीं देखेगी। अगर वो चाहेगा तो पूरा वीडियो उसको वॉच कर लेगा, नहीं चाहेगा तो उसको जितना पार्ट आपने भेजा है वो सिर्फ उसी पार्ट को देखेगा। तो इस तरीके से यूज होता है, लेकिन दोस्तों इसको लाइव किस तरीके से यूज करते हैं, किसको भेजते हैं, तो इसके लिए जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। अगर चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दिमाग में अभी भी सवाल या फिर सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर किस तरीके से यूज किया जाता है, पूरी प्रोसेस है दोस्तों, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यूट्यूब खोल लेना है, जैसे कि मैंने अमित वड़ाना की यहाँ पर वीडियो खोल ली है। अब इनका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो किसी को भेजना है, यानी कि कोई फनी मूवमेंट है, कोई इन्फॉर्मेटिव मूवमेंट है, उसको मुझको किसी को शेयर करना है। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, क्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अभी तो ये वीडियो तो बहुत ही लंबा है, लेकिन यहाँ पर तो वॉइस मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको अच्छे से सुनाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस कॉमेडी को यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ कितने 60 सेकंड तक, यानी कि एक मिनट तक यहाँ पर मैं किसी को क्लिप सेंड कर सकता हूँ। इससे छोटी मैं यहाँ पर 0.5 सेकंड की यहाँ पर क्लिक शेयर कर सकता हूँ किसी को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, फनी मूवमेंट है, मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा वेरी फनी, तो यहाँ पर मैंने लिखा वेरी फनी मूवमेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वेरी फनी है, तो इसको वॉच करना ना भूलें। इस तरीके का मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, तो आपको जिस तरीके का लिखना है वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ पर शेयर क्लिप, इसको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गई एक लिंक जिसको आपको शेयर करना है। अब दोस्तों ये शेयर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप पे, जीमेल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और सभी जगह यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, इतने सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये लिंक कॉपी करके रख लिया, अब दूसरा पर्सन इसको खोल के देखेगा तो उसको किस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर ली, तो दोस्तों मैं किसी और को नहीं भेज रहा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको लोगों को ही सीधा बताऊंगा। तो जैसे कि ये मैंने खोल लिया, अब हमारी लिंक कहाँ है, यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने ये लिंक पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया लिंक पर, तो दोस्तों यहाँ पर लिंक पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिप ऊपर दिखा है, क्लिप नीचे मेरे चैनल का नाम है, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था फनी वीडियो, यहाँ पर वेरी फनी वीडियो लिखा हुआ आ गया, साथ ही साथ यहाँ पर जो वीडियो का मैंने क्लिप उठाया था वो यहाँ पर नीचे आ चुका है। इसके बाद में जो चैनल का मैंने यहाँ पर क्लिप भेजा है वो चैनल आ चुका है, सब्सक्राइब का बटन भी आ चुका है। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, तो प्ले करके देखते हैं तो जितना भी मैंने कट किया था दोस्तों वो एक अलग से एक वीडियो के द्वारा वीडियो की तरह ही बन गया है, यानी कि ये सिर्फ 15 सेकंड का है जितना मैंने सेलेक्ट किया था, वही यहाँ पर सभी को दिखाई देगा। तो बार बार यहीं पर ऑटो यहाँ पर यानी कि रीप्ले हो जाएगा, जैसे कि ये एंड हो गया फिर से प्ले हो गया, तो कुछ इस तरीके का आप बार बार वही चीज़ देख सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। और इसके बाद में काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि भाई यहाँ से अर्निंग होगी या फिर नहीं होगी, तो यहाँ पर अर्निंग की बात करें तो अर्निंग होगी। अब भाई कैसे होगी, किसी को इतना पार्ट है, अब उसको पूरा पार्ट तो देखना ही होगा,
उसको क्योंकि मंशा होगी कि भाई ये इतना पार्ट अच्छा है तो इसका पूरा वीडियो भी बहुत अच्छा होगा। इसके लिए यहाँ पर वॉच फुल वीडियो ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपने क्लिप भेजी है सामने वाले को वो यहाँ पर पूरा वीडियो भी वॉच कर सकता है, साथ साथ जितना पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है उसको भी देख सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्लिप ऑप्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं क्लिप ऑप्शन को, और इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इससे आपको ये बेनिफिट है कि आपको डाटा वेस्ट नहीं होगा, किसी को आप अगर भेजते हो तो वो क्या करता है आपका पूरा वीडियो देखता है, तब आपको उस वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर आता है। लेकिन इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप सिर्फ मेन पॉइंट को यहाँ पर क्लिक करोगे, कट करोगे और डायरेक्ट सेंड कर दोगे, तो वहाँ पर जिसको आप भेजना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट पार्ट वो सीधा वही पहुँचेगा, ना कि पूरा वीडियो पहुँचेगा, जिससे आपका डेटा बचेगा, साथ साथ आपका टाइमिंग भी बचेगी। जो सामने वाला पर्सन है उसको आप भेज रहे हो तो उसका टाइमिंग भी बचेगी, क्योंकि वो पूरा वीडियो देखेगा, उसके बाद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आएगा। लेकिन इसका यूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे पिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों एंड स्क्रीन में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोस्तों इन वीडियो को देखना ना भूलें। और दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है फिर सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।